Morning, good evening, sasriyakal, adab, namaste, jai mata di. Aur aaj hum baat karenge setting up of business ke paper ke bare mein, which is there in the CS executive program, group 1, the paper number 3. Aur ek cheez specially batana chahunga ki bahut sare students jo abhi CS foundation pass karke executive program mein aaye hain ya aise bhi bahut sare students jo executive program mein kafi samay se pad rahe hain is paper ke bare mein, at times unko pata hi nahi hota ki executive program mein is paper ka significance kya hai aur ye paper overall kya objective achieve karna chahta hai, ye paper kya hai, ye paper kyun hai aur ICSI institute ne is paper ke piche jo philosophy rakhi hai wo philosophy kya hai aur is paper की कनेक्टिविटी कंपनीज एक्ट के पेपर के साथ कंपनी लॉ के पेपर के साथ कितनी गहरी है, ये पेपर कितना अच्छा कितना बढ़िया बेस बनाता है फॉर द पेपर ऑफ कंपनी लॉ इन एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम एंड व्हाई ओनली हियर आई विल से आल्सो फॉर योर प्रोफेशनल लाइफ योर प्रोफेशनल करियर योर ट्रेनिंग टाइम एंड आई विल से वंस यू आर क्वालिफाइड तो मैं कहूंगा डिग्री मिलने के बाद भी इस पेपर का सिग्निफिकेंस कितना ज्यादा है. एट टाइम्स स्टूडेंट सिर्फ ये सोच रहे होते हैं एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में कि छोटा सा मॉड्यूल है पतला सा मॉड्यूल है कर लेंगे अपने आप somehow मतलब पढ़ लेंगे और उसके बाद मैं देखता हूं कि मार्क्स आर कमिंग ओनली 45, 47, 48 और ये पेपर फेल करवा देता है. 50 नंबर अचीव नहीं हो पाते हैं क्योंकि टेक्निकली जितना स्ट्रांग होना चाहिए कॉन्सेप्ट्स वो है नहीं, बस पढ़ लेंगे काम चला लेंगे और लास्ट में बस काम ही चल जाता है और फिर जब लुढ़क जाते हैं और एग्जाम में कहीं ना कहीं वो 50 मार्क्स भी अचीव नहीं हो पाते हैं तो मैं कहूंगा बड़े दुख की बात है. तो पेपर को कॉन्सेप्चुअली सॉलिड बनाना है, कंपनी लॉ का बेस तैयार करना है इस पेपर में से, ट्रेनिंग में काम आएगा प्रोफेशनल करियर में काम आएगा, बहुत कुछ है सीखने के लिए. और इस वीडियो को मैं कहूंगा पूरा देखिएगा, इस सेशन को पूरा देखिएगा, ये इंटरेक्शन आप लोगों के फायदे के लिए है और इसमें से जो आप निकाल सको आप मैं कहूंगा जो फिलॉसफी जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं वो जो आपके करियर में आपसे काम आने वाली है प्लीज टेक द बेनिफिट ऑफ दैट एंड आई से शेयर विद अदर्स ऑल्सो. तो ये पेपर जो है ICSI ने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है. पार्ट ए सेटिंग ऑफ बिजनेस 40 मार्क्स विच इज विजिबल ओवर हियर, जिसके अंदर देर आर 13 चैप्टर्स, जिसमें 13 चैप्टर्स हैं आपके पास और मैं कहूंगा करने के लिए बहुत कुछ है. एंड देन आई से सेकेंड पार्ट पार्ट बी 35 मार्क्स रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसेज कंप्लायंसेज, पार्ट सी इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोर्ट के बारे में है और आग लगी हुई है हिंदुस्तान में इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोर्ट 2016 के बारे में और बात करेंगे हम जेट एयरवेज के बारे में. विल टॉक अबाउट विल आई से JP इंफ्रास्ट्रक्चर देन रिलायंस कम्युनिकेशन SR स्टील एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स. तो ध्यान से देखते चले जाइएगा और पहला फोकस है पार्ट ए के ऊपर और पार्ट ए में 40 मार्क्स में वी हैव चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसके चैप्टर नंबर 1 है जिसमें हम बात करते हैं कि बिजनेस कितने तरीके से किया जा सकता है, छोटे स्केल पे सोल प्रोप्राइटरशिप बनाकर, उससे थोड़े से बड़े स्केल पे पार्टनरशिप फर्म बनाकर, और बड़े स्केल पे जाना है तो कंपनी बनाकर, लेकिन फिर टैक्स लाइबिलिटीज बढ़ जाती है और हर टाइप के कुछ एडवांटेजेस हैं कुछ डिसएडवांटेजेस हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के, पार्टनरशिप फर्म के, कंपनी फॉर्म के, LLP बनाकर बिजनेस कर सकते हैं. कंपनी फॉर्म और LLP फॉर्म में क्या डिफरेंस है, टैक्स लाइबिलिटी कहां ज्यादा है कहां कम है, और कंपनी बनानी है तो क्या OPC कंपनी भी बना सकते हैं 1% कंपनी, और टैक्स लाइबिलिटी का क्या रहेगा उसके अंदर. HUF फॉर्म में बिजनेस किया जा सकता है. तो फर्स्ट चैप्टर इज समवेयर अ वेरी बेसिक चैप्टर और कुछ कुछ तो मैं कहूंगा इससे मिलता जुलता 12th क्लास में भी स्कूल में हो चुका होता है, लेकिन हायर लेवल्स पे जाएंगे जब आप उठाते हैं द चैप्टर ऑफ various type of companies when we talk about the public company definition, private company, and I tell you one thing, sirf padhne ke liye definitions nahi hai, doob jana padta hai. And I tell you one thing, the definition of this private company I discuss in the classroom for 1.5 hours, डेढ़ घंटा हम इस डेफिनेशन का एनालिसिस करते हैं, डूब जाते हैं डेफिनेशन के अंदर, और वो जब डूब जाते हैं एनालिसिस करते हैं वही एनालिसिस एग्जाम में आ जाता है. और आई विल से वेल प्लीज वॉच माय अनदर वीडियो ऑन द यूट्यूब विल प्राइवेट कंपनीज का डेफिनेशन का एनालिसिस 1.5 hours, डेढ़ घंटा, और वो ऑलरेडी वीडियो मैंने यूट्यूब के ऊपर दिया हुआ है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया. समझ में आएगा कि डेढ़ घंटे में हम करते क्या है, एनालिसिस क्या होता है, और उसी में से क्वेश्चन कैसे निकल निकल कर आते हैं एग्जामिनेशन हॉल में. पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन है 1 hour, एक घंटा, चार लाइन के डेफिनेशन के ऊपर एक घंटा एनालिसिस कैसे करते हैं, वॉच अनदर वीडियो आई विल से ऑन माय यूट्यूब चैनल ओवर देयर. एंड देन आई विल से ओपीसी की डेफिनेशन है गवर्नमेंट कंपनी, ओपीसी वी डिस्कस नियर अबाउट फॉर 1.5 hours विद लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स आल्सो एट द सेम टाइम. एंड फॉरेन कंपनी डेफिनेशन एनालिसिस, होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी कंपनी 2 घंटे डिस्कस करते हैं हम डेफिनेशन 2 hours, एसोसिएट कंपनी डेफिनेशन वी डिस्कस फॉर 1 hour, एक डेफिनेशन आधे पेज की वी डिस्कस फॉर 1 hour विद लॉट्स ऑफ निटी ग्रिटीज, स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन वी कीप ऑन डिस्कसिंग फॉर 35-40 मिनट्स.
मैं कहूंगा सिर्फ पढ़ना नहीं है, यही चीज है कि आपने पढ़ लिया या आप उसके अंदर घुस गए और आपने डूब के पढ़ लिया और उसको समझ लिया, बाल की खाल निकाली, फिर खाल की खाल निकाली, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. और मैं कहूंगा वो जो एनालिसिस है उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं. इस बार भी जून 19 एग्जाम्स का क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लो, होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी कंपनी का डेफिनेशन, मतलब किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, स्ट्रेट डेफिनेशन नहीं पूछा, घुमाकर पूछ लिया. स्मॉल कंपनी का क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में पूछा गया है. सो पेपर सेटर क्वेश्चन नंबर वन कंपलसरी क्वेश्चन के अंदर किस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहा है, से पिक अप द क्वेश्चन पेपर ऑफ जून 19 एग्जाम्स एंड यू विल फाइंड इट कि मेहनत करते हैं तो उसका फायदा क्या होता है. और जो लोग सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़कर चले गए, जाकर एग्जाम में कुछ ना कुछ लिख आएंगे, तो पहले क्वेश्चन से ही वो गोल होना शुरू हो जाता है और मार्क्स जाने शुरू हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है और क्वेश्चन नंबर टू और थ्री तक पहुंचते पहुंचते तो जान निकल जाती है. क्वेश्चन फोर तक पहुंचते पहुंचते लगता है चलो एग्जामिनेशन हॉल छोड़कर चलें, अगली बार देखेंगे 6 महीने बाद, अपनी पढ़ाई का लेवल तो है नहीं ऐसा, तो वो समझ में आ जाता है. और फिर मैं कहूंगा फिर ICSI को नहीं कोसना चाहिए, खुद को सुधारना चाहिए. और फिर भी खुद को नहीं सुधारेंगे तो मम्मी पापा को जाकर बोल देंगे नहीं हमारे बस की है नहीं, अंगूर खट्टे हैं. और अगर तरीके से पढ़ाई करेंगे तो मैं कहूंगा डोमिनेट करेंगे एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन पेपर के ऊपर, अगर तरीके से पढ़ाई करेंगे. एंड देन आई विल से निधि कंपनीज का क्वेश्चन इस बार जून 19 एग्जाम में आया, उठाकर देखो क्वेश्चंस. लिस्टेड कंपनी क्या होती है, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, कौन सी कंपनी लिस्ट होती है, पब्लिक कंपनी के इक्विटी शेयर्स लिस्ट होते हैं, प्राइवेट कंपनी के भी क्या इक्विटी शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स लिस्ट हो सकते हैं, क्या प्राइवेट कंपनी के डिबेंचर्स लिस्ट हो सकते हैं, कन्वर्टेबल डिबेंचर या नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर क्या पब्लिक कंपनी के भी लिस्ट हो सकते हैं, वेल लिस्टेड कंपनी को मतलब किसको कहते हैं, जो जिसके इक्विटी शेयर्स लिस्टेड है उसको कहते हैं, या जिसके शेयर्स लिस्टेड नहीं है, डिबेंचर्स लिस्टेड है क्या उसको भी लिस्टेड कंपनी कहते हैं, फॉर द पर्पज ऑफ कंपनीज एक्ट क्या प्रोविजन है, फॉर द पर्पज ऑफ सेबी लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स LODR के रिक्वायरमेंट के लिए क्या प्रोविजन है, किस कंपनी को कहते हैं लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी में और लिस्टेड एंटिटी में क्या फर्क है, बहुत सारी चीजें हैं एनालाइज करने के लिए. एक लाइन की डेफिनेशन है, सीखने के लिए बहुत कुछ है, उसकी कनेक्टिविटी विद द डेफिनेशन ऑफ प्राइवेट कंपनी एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर. सेक्शन 8 कंपनी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन NPO द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, चैरिटेबल पर्पज कंपनी जिसमें प्रॉफिट लॉस अकाउंट नहीं बनाते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, क्या ये सेक्शन 8 कंपनी बाद में कन्वर्ट हो सकती है इनटू अ रेगुलर प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, अगर हाँ तो प्रोसीजर क्या है, व्हाट इज द प्रोसीजर. और सेक्शन 8 कंपनी की इटसेल्फ अगर निटिग्रिटीज के बारे में बात करें, फ्रॉड होता है अगर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ लॉ होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसके अगेंस्ट क्या एक्शन ले सकती है. सो लॉट्स ऑफ थिंग्स. और सेक्शन 8 कंपनी को क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, प्रिविलेजेस मिलते हैं, एग्जम्पशंस मिलती हैं, कंपनीज एक्ट के अंदर क्या क्या एग्जम्पशंस मिलती हैं समझना और रिटेन करना, और साथ में ये भी कि क्यों मिलती हैं, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दोज एग्जम्पशंस. देन कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स. और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, तो वो क्या डिफरेंस क्या है, पैसा कहां से आता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, बिजनेस कैसे करते हैं, पैसा कहां से आता है. अनलिमिटेड कंपनी बना सकते हैं क्या कंपनीज एक्ट के अंदर जिसमें मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड हो. सो टॉकिंग अबाउट ऑल दो स्टफ, टेक्निकली अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स, सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ना नहीं है, अंदर डूबना है, एनालाइज करना है. और मैं कहूंगा कि अब आप इसको सेटिंग ऑफ बिजनेस का पेपर कहो तो आपकी मर्जी है, या मैं कहूंगा ये तो पूरा बेस तैयार हो रहा है फॉर द पेपर ऑफ कंपनी लॉ ऑल्सो, क्योंकि यही सब कुछ हम कंपनी लॉ में कहीं ना कहीं पढ़ते हैं. जब हम पढ़ते हैं द चैप्टर ऑफ जनरल मीटिंग, वेन वी डू द चैप्टर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो इन सब चीजों को वहां इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं. इसके बिना आप कंपनीज एक्ट का पेपर, कंपनी लॉ का पेपर करोगे कैसे, मतलब सॉलिड करना है ये सब कुछ फॉर द पर्पज ऑफ द पेपर ऑफ कंपनी लॉ ऑल्सो. तो मैं कहूंगा कि आप इधर भी तैयारी कर रहे हो और उधर आप कंपनी लॉ की भी तैयारी कर रहे हो, दोनों तरफ की तैयारी चल रही है आपके साथ साथ. देन द नेक्स्ट चैप्टर दैट वी आर हैविंग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आर्टिकल एसोसिएशन. हाँ सर ये तो फाउंडेशन प्रोग्राम में पढ़ा था, ये तो ऑलरेडी आता है, नेम क्लॉज, सिचुएशन क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लाइब्रेरी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, एसोसिएशन क्लॉज रटा हुआ है. लेकिन अगर अंदर घुस के जाए नेम क्लॉज के अंदर तो रूल 8 A, रूल 8 B वो क्या होता है सर वो तो पता ही नहीं है. तो आई विल से फिर वो और साथ में उसमें अमेंडमेंट्स आई हैं और अमेंडमेंट्स के बारे में भी नहीं मालूम है सर, तो MCA की वेबसाइट पे जाइए, वहां से अमेंडमेंट्स डाउनलोड कीजिए और पढ़िए, बिकॉज दे आर रेलिवेंट फॉर एग्जाम. कौन सा नाम अप्रूव हो सकता है, कौन सा नाम अप्रूव नहीं हो सकता है, वन शुड बी अवेयर ऑफ. छोटी सी कंपनी है फॉर एग्जाम्पल, हमारी छोटी सी कंपनी है दिल्ली में पहाड़गंज में गलियों में घुसकर, क्या हम कंपनी के नाम में इंटरनेशनल लिख सकते हैं, क्या हम कंपनी के नाम में ग्लोबल लिख सकते हैं, क्या हम पैन एशिया लिख सकते हैं. Well, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो विल यू बी एबल टू गिव द आंसर, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं सोच के बताना. एंड इफ यू हैव द आंसर गिव द आंसर इन द कमेंट बॉक्स. विल सोचने वाली चीजें हैं, लॉट्स ऑफ थिंग्स. अभी और ज्यादा परेशान नहीं करूंगा, इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं. डॉक्ट्रीन्स पढ़ते हैं सर, हाँ मालूम है डॉक्ट्रीन ऑफ अल्ट्रावायर्स,
फिर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, ये जो डॉक्ट्राइन्स पढ़ते हैं वेल सिर्फ पढ़ के भूल नहीं जाना है, आगे जब कंपनी लॉ में डिवेंचर का चैप्टर पढ़ते हैं तो फिर डॉक्ट्राइन्स काम आते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चैप्टर में भी डॉक्ट्राइन्स काम आते हैं, जनरल मीटिंग के चैप्टर में भी डॉक्ट्राइन्स काम आते हैं, कनेक्टिविटी आती है इधर उधर, तो कनेक्टिविटी आनी चाहिए, तैयारियां हो रही है, बेस बन रहा है फॉर द पेपर ऑफ कंपनी लॉ. सेक्शन 5, मैं कहूंगा सेक्शन 5 आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी, मैं तो रिकमेंड करूंगा 10 बार पढ़ो, 20 बार पढ़ो, घुस जाओ इसके अंदर. एंट्रेंचमेंट क्लॉज होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंट्रेंचमेंट क्लॉज, व्हाट इज द प्रोविजन, एंट्रेंचमेंट क्लॉज का मतलब क्या है, उसका पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में एंट्रेंचमेंट क्लॉज रखती क्यों है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दैट. वेल, क्या कंपनी टेबल एफ अडॉप्ट करती है तभी टेबल एफ अप्लाई होती है, टेबल एफ अडॉप्ट नहीं करती है तो भी क्या टेबल एफ ऑटोमेटिकली भी अप्लाई हो जाती है, और होती है तो कितनी, और नहीं होती है तो क्यों नहीं, और कब अप्लाई होगी, कब अप्लाई नहीं होगी, फिर उसका लिंक विद द चैप्टर ऑफ जनरल मीटिंग एंड कंपनी लॉ, विद द चैप्टर ऑफ प्रॉस्पेक्टस शेयर कैपिटल इन द कंपनी लॉ, द लिंक विद द पेपर ऑफ द चैप्टर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन द कंपनी लॉ, और कंपनी लॉ में वो जनरल मीटिंग का चैप्टर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चैप्टर 40 मार्क्स से 40 नंबर का, अगर सेक्शन 5 नहीं आता और उसका लिंक नहीं आता विद द चैप्टर ऑफ जनरल मीटिंग विद द चैप्टर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कॉन्सेप्ट हिल जाएंगे वहां पर. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चैप्टर और जनरल मीटिंग का चैप्टर सॉलिड करने के लिए इधर सेक्शन 5 सॉलिड होना चाहिए. ये मत सोचना कि सेटिंग ऑफ बिजनेस का पेपर पढ़ रहे हैं, सेक्शन 5 तो यहीं शुरू और यहीं खत्म, और वेल और तो कहीं यूज होगा नहीं. अरे भाई जिंदगी भर यूज होगा, ट्रेनिंग में यूज करेंगे, ट्रेनिंग में भी, और वेल डिग्री मिलने के बाद ऑफिस में भी यूज करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चैप्टर के लिए भी यूज करेंगे, आर्टिकल ऑफ और उसके साथ में कहूंगा जनरल मीटिंग के चैप्टर के लिए भी यूज करेंगे, शेयर कैपिटल के चैप्टर के लिए भी यूज करेंगे. लिंकेज बहुत सॉलिड क्लियर होनी चाहिए. सेक्शन 5 डूब कर पढ़ना है, अच्छे से घुस कर पढ़ना है. सेक्शन 5 नहीं अकेले, सेक्शन 5 के साथ सेक्शन 6 जब पढ़ते हैं ना तो उसको भी डूब कर पढ़ना है, उसकी भी कनेक्टिविटी है विद द चैप्टर ऑफ जनरल मीटिंग, विद द चैप्टर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और सिर्फ दो चैप्टर्स के साथ नहीं पूरे कंपनी लॉ के साथ. सेक्शन 6 का बेस सॉलिड होना चाहिए, इंटरप्रिटेशंस इतनी तगड़ी होनी चाहिए कि आप उसको आगे हर जगह यूज कर सको, और अगर नहीं है ना तो फिर मैं कहूंगा फिर आप किसी काम के कंपनी सेक्रेटरी नहीं हो, फिर आप किसी काम के स्टूडेंट ही नहीं हो. अगर आपके ये बेस ही क्लियर नहीं है, अगर आपके बेस ही सॉलिड नहीं है, इंटरप्रिटेशन सॉलिड नहीं है, तो क्या पढ़ रहे हो आप, और फिर कंपनी लॉ कैसे पढ़ोगे, और फिर कंपनी लॉ के साथ कनेक्टिविटीज जो है इन सेक्शंस की कैसे. ये सेक्शंस मैं सिर्फ क्लियरली बता दूं, सेटिंग ऑफ बिजनेस का पेपर नहीं है, दिस इज ऑल्सो द बेस फॉर द होल पेपर ऑफ कंपनीज एक्ट. बी रेडी, चाहे वो डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस है, इंडोर मैनेजमेंट है, चाहे वो सेक्शन 5 है, सेक्शन 6 है. लिंक तो सब कुछ मैं कहूंगा सॉलिड कर लेना कंपनी लॉ का पेपर शुरू करने से पहले. कंपनी लॉ के पेपर को टच ही बात में करना, कोई जरूरत ही नहीं है कंपनी लॉ का पेपर पढ़ने की अगर आपको ये सारी चीजें वेल पहले से पता नहीं है. दिस इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू मेक द बेस, और हल्के में नहीं लेना, प्लीज प्लीज प्लीज. हल्के में लोगे तो सब हल्का हल्का रह जाएगा, जिंदगी में कुछ कर नहीं पाओगे. आई एम टेलिंग यू, गारंटी देता हूं. वेल कंपनी लॉ खून में घुसा सकते हैं, लेकिन पहले ये बेस बनाना चाहिए. और कंपनी लॉ ही तो है, कंपनीज एक्ट के प्रोविजन ही तो है, सेक्शन 5, सेक्शन 6 ऑफ कंपनीज एक्ट, और ये सारी डेफिनेशंस. तो कंपनी लॉ का पेपर पढ़ने से पहले ये सब कुछ पढ़ना, देन गेट इन टू द पेपर ऑफ कंपनी लॉ. दैट इज माई रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया. फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, द प्रोसीजर ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी. तो फिर से क्या है, बेस तैयार हो रहा है. सेक्शन मैं कहूंगा इनकॉर्पोरेशन के प्रोसीजर में, इनकॉर्पोरेशन के रूल्स में 14-15 तो अमेंडमेंट्स आई हैं 2017, 2018 में, और 2019 की भी 4-5 अमेंडमेंट्स कर दूं, ऐड बीच में कर दूं तो 17, 18, 19, 20 अमेंडमेंट आई हैं इन द 3 years इन द प्रोसीजर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इन द वेल आई से द इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014 बेसिकली. कभी वो फॉर्म एजाइल आ जाता है, अब नया फॉर्म आ गया जो पहले नहीं था. और मैं कहूंगा जिन्होंने जून 19 एग्जाम्स भी दिए होंगे उनको भी नहीं मालूम होगा, नाउ वैलिड फॉर एप्लीकेबल फॉर डिसंबर 19 एग्जाम्स. एक नया फॉर्म आ गया जो इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे आपको फॉर्म INC 32 के साथ और स्पाइस फॉर्म के साथ कहना चाहिए कि आपको साथ में अटैचमेंट में जाना है. विल एक्टिव फॉर्म, ये तो आई होप सुना होगा, कुछ टाइम से चल रहा है फॉर्म एक्टिव आ गया. फॉर्म INC 32 स्पाइस फॉर्म के साथ कुछ और अटैचमेंट्स आ गई हैं. रेगुलेटरी अप्रूवल्स, वेल इन प्रिंसिपल रेगुलेटरी अप्रूवल्स अटैच होकर जाने हैं, जो कि पहले सिस्टम नहीं था, नाउ दे हैव मेड इट वेरी क्लियर. देन आई विल से INC 20A फॉर्म आ गया सेक्शन 10A के साथ. अमेंडमेंट्स होती चली जा रही हैं, तो वन हैज टू बी वेरी वेरी अपडेटेड विल रिगार्डिंग दीज अमेंडमेंट्स. एंड आई टेल यू वन थिंग, विल वी डू लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क ऑन दीज अमेंडमेंट्स इन द क्लास. मजा आता है कि हमने सारी अमेंडमेंट्स जो है वो कर लिए हैं, अपग्रेडेशंस अपडेशंस कर लिए हैं, हमें वो सब कुछ मालूम है जो ऑल ओवर इंडिया बाकी स्टूडेंट्स को नहीं मालूम है. तो वन हैज टू बी रियली 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 अपडेटेड अबाउट ऑल दिस. और मैं कहूंगा हर कंपनी सेक्रेटरी को, हर क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी को कंपनी बनानी तो आनी चाहिए एज पर द लेटेस्ट नॉर्म्स. तो हर स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है,
हर स्टूडेंट से कि ये नॉर्म्स इनकॉर्पोरेशन रूल्स तो हर वक्त अपडेटेड होने चाहिए. रन फैसिलिटी यूज करनी आनी चाहिए. वी डू दैट इन द क्लास ऑन द आई से ऑन द प्रोजेक्टर ऑन द लैपटॉप. रन फैसिलिटी यूज करनी आनी चाहिए. एमसीक्यू के ऊपर लॉग इन में जाकर फिर रन फैसिलिटी यूज करना, फिर ये देखना कि नेम रिजर्वेशन के लिए कैसे अप्लाई करते हैं, रिजर्व यूनिक नेम, और फिर उसका एसआरएन नंबर जनरेट होता है, उसको यूज करते हैं फॉर्म INC32 के अंदर. ये चीजें जो चीजें कई बार मैं कहूंगा ICSI के बुक में भी मिस हो जाती हैं, मॉड्यूल में भी मिस हो जाती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली वो सारी चीजें जब आंखों से देखते हैं कि ओहो ये रन फैसिलिटी को यूज किया तो लगता है कि येस वी आर डूइंग द कोर्स ऑफ CS एंड वी आर गेटिंग रेडी फॉर अवर ट्रेनिंग ऑल्सो. वी आर गेटिंग रेडी फॉर वेल फ्यूचर ऑल्सो एट द सेम टाइम. तो मैं कहूंगा सॉलिड तैयारी करनी है और याद रखिएगा क्या क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं. तो दो बातें हैं. ICSI चाहता है कि हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए हाउ टू इनकॉर्पोरेट द कंपनी, और हर स्टूडेंट को ट्रेनिंग में भी मैं कहूंगा कंपनी बनाने की कोशिश करनी चाहिए. तो क्यों कर रहे हैं, वेल मैं कहूंगा रीजन यही है कि ट्रेनिंग में भी और प्रोफेशनल करियर में भी ये सारे काम करने हैं, प्लस वेल एट द सेम टाइम कंपनी लॉ के पेपर का बेस बना रहे हैं यहां पर. तो दिस इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आई विल से वेल टाइप ऑफ कंपनीज के चैप्टर की बात करूं, अब आप उसको कंपनी लॉ कहना चाहो कंपनी लॉ कह लो. कंपनीज एक 2013 का ही पार्ट है. एग्जामिनेशन वेटेज 20 मार्क्स इन जून 19 एग्जाम्स. 20 नंबर का एक चैप्टर आता है इन द जून 19 एग्जाम्स. टाइप्स ऑफ कंपनीज, ये 40 नंबर में से 20 नंबर सिर्फ और सिर्फ टाइप ऑफ कंपनीज के ऊपर, एंड वेरियस टाइप ऑफ कंपनीज के ऊपर अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, स्ट्रेट क्वेश्चन नहीं आए, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बना बना कर दिए. और वेल उसका सॉल्यूशन मांगा कि बताओ अगर कहानी को ऐसे घुमा दिया जाए तो उसका सॉल्यूशन क्या है. तो जून 19 क्वेश्चन पेपर इज एन आई ओपनर कि पेपर सेटर का माइंड सेट क्या है, वो हम लोगों से चाहता क्या है. बी रेडी अकॉर्डिंगली, अपनी तरफ से कोई लकुना ना रह जाए, और रह गया और फिर एग्जामिनेशन हॉल में जाकर बैठे और क्वेश्चन पेपर देखकर तोते उड़े हुए हैं, कोई फायदा नहीं है. एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकला है रोते हुए आंखों में आंसू लेकर, कोई फायदा नहीं है. बी रेडी विद द एनालिटिकल थिंग्स एंड देन आई विल से ऑल्टरेशन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आर्टिकल एसोसिएशन, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर द नेक्स्ट वन दैट वी आर हैविंग विल फॉर द डे टू डे लाइफ ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी. मैं तो कहूंगा क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरीज की भी लाइफ में डे टू डे यूज है, और स्टूडेंट्स को तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बी वेरी स्ट्रांग इन दिस, क्योंकि आने वाले टाइम में कभी कंपनी का नाम चेंज होगा, कभी रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट होगा, और कभी ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज कर रहे हैं, या कभी कैपिटल क्लॉज चेंज कर रहे हैं, ऑथराइज्ड कैपिटल बढ़ा रहे हैं कंपनी की, कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स कर रहे हैं, विल रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल कर रहे हैं. तो वन हैज टू बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट दिस. सेक्शन 14 विल बात करते हैं ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स के बारे में. तो सेक्शन 14 में अभी अमेंडमेंट हुई है, विल उसके साथ जो जुड़ा हुआ एक नया रूल 41 आ गया है. जब हम पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करते हैं तो उसका नया प्रोसीजर आ गया रूल नंबर 41 में. वेल वन हैज टू बी अपडेटेड अबाउट ऑल दीज थिंग्स, एंड उसके साथ कुछ नए फॉर्म्स भी आ गए हैं. तो मैं कहूंगा हमारी जिंदगी में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम हमेशा अपने आप को अपडेट करते रहें, अमेंडमेंट्स साथ में तैयार करते रहें. और एक चीज मैं और भी बता दूं, वेल आई एम गोइंग टू बी वेरी रेगुलर ऑन द यूट्यूब विद द अमेंडमेंट्स इन द कंपनीज एक्ट, सो दैट द स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया आर ऑलवेज विल अपडेटेड. और मैं तो कहूंगा कि हर स्टूडेंट का कर्तव्य है अपने आप को हमेशा अपडेट करते रहना फॉर कमिंग एग्जाम्स, एंड नॉट ओनली फॉर एग्जाम्स, फॉर योर आई से प्रोफेशनल करियर ऑल्सो एट द सेम टाइम. तो सब कुछ क्या है, कंपनी लॉ के पेपर का बेस यहां से तैयार होता है. मैं फिर बोलूंगा, सबको बोलूंगा कि पहले ये सब कुछ पढ़ो, बाद में कंपनी लॉ का पेपर टच करो, और ऐसे मानो कि आप कंपनी लॉ के पेपर का बेस बना रहे हो, तैयारी तो उसी की कर रहे हो आप. और इसको किए बिना अगर आप कंपनी लॉ के पेपर में जंप करोगे, पता नहीं हवा में क्या पढ़ोगे, जब आपको ये नहीं मालूम कि कंपनीज कितने तरीके की होती हैं, लिस्टेड कंपनी क्या होती है, जब बेसिक्स ही क्लियर नहीं है तो हाउ विल यू गेट इनटू द पेपर ऑफ कंपनी लॉ. एंड देन आई विल से लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को मैं बोलता हूँ कंपनी लॉ का ही फिर वो सौतेला भाई है या सगा भाई है, मतलब यंगर ब्रदर ऑफ कंपनीज एक्ट. और इसके अंदर भी हम क्या पढ़ रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ LLPs, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स, कौन सी LLPs का ऑडिट होता है, कौन सी LLPs को ऑडिट करवाना पड़ता है, टैक्स लायबिलिटीज क्या रहती हैं LLP की इन कंपैरिजन विद द कंपनीज, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बाहर से फॉरेन इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट LLPs में अगर आती है तो उसके लिए प्री कंडीशंस क्या है, कौन सी LLPs में आएंगी, कौन सी LLPs में नहीं आएंगी, और जिन LLPs में आएंगी उसके लिए प्री कंडीशन क्या है. तो डॉलर तो चाहिए, यूरो तो चाहिए, और फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में पैसा लगा रहे हैं, तो विल टॉक अबाउट कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहां अलाउड है LLPs में और कहां अलाउड नहीं है. और इसके बाद मैं जंप करूंगा सीधा चैप्टर नंबर 13 की तरफ, द सीरियल नंबर 13 ऑन द बॉटम, द कन्वर्जन ऑफ वेल एग्जिस्टिंग बिजनेस एंटिटीज, वेल जो कैसे कन्वर्ट करते हैं. और इस चैप्टर के अंदर हम कन्वर्जन की बात करेंगे, प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना है या पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना है, तो उसका पूरा फुल डिटेल्ड प्रोसीजर क्या है.
उसके बाद प्राइवेट कंपनी को अगर 1% कंपनी में कन्वर्ट करना है या 1% कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना है ओपीसी में, तो उसका डिटेल्ड प्रोसीजर क्या है. सेक्शन 8 कंपनी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको कन्वर्ट करना है नॉर्मल कंपनी में, विच इज रेगुलर प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, तो उसका प्रोसीजर क्या है. लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को कन्वर्ट करना है कंपनी में, या कंपनी को कन्वर्ट करना है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में, तो उसका प्रोसीजर क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. ऐसे तो और बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए. क्या समझ में आ रहा है इस सब कुछ को देखकर कि ये जो पार्ट ए 40 मार्क्स है इसमें बहुत कुछ है जो कंपनीज एक्ट है या कंपनीज एक्ट का बेस बन रहा है. और मैं एक बार और रिपीट कर दूं, ये सब कुछ पहले पढ़िए, कंपनी लॉ का मॉड्यूल उठाकर शुरू बाद में कीजिए, पहले ये चैप्टर जो आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं ये सब कुछ पहले खत्म कर लेना चाहिए. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड देन आई विल से पार्ट ए में कुछ पार्ट अभी मैं छोड़कर जा रहा हूं. अभी इसके अंदर 7, 8, 9, 8, 12 ये जो बीच में आपको कुछ पार्ट दिख रहा है ये कंपनीज एक्ट से हटकर भी थोड़ा बहुत है बीच में कुछ, जिसके बारे में अभी डिटेल में बात करूंगा, बट आई विल कम बैक टू दैट. लेकिन पहले आपको लेकर जा रहा हूं पार्ट सी में, विच इज 25 मार्क्स. और 25 नंबर में मैं कहूंगा कि 25 नंबर 25 मार्क्स के लिए सिर्फ आपको चार चैप्टर करने हैं एक तरीके से, लेकिन चार चैप्टर्स में भी मैं कहूंगा सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस है, प्रैक्टिकल प्रोफेशनल इंपॉर्टेंस है. डॉर्मेंट कंपनीज के बारे में बात करते हैं. हिंदुस्तान में तो हम कहते हैं कुछ कंपनीज डॉर्मेंट कंपनीज होती है, बाय बर्थ स्लीपिंग मोड में बनाई जाती है, एक एसेट लैंड होल्ड करने के लिए 5 साल तक कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं करती है, सोच लिया जाता है, सोच के बनाई जाती है पहले 5 साल कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं करेंगे, लेकिन 5 साल खत्म होने से पहले पहले उस कंपनी को एक्टिव कंपनी में कन्वर्ट करवाना होता है, मैंडेटरी होता है, नहीं तो आरओसी स्ट्राइक ऑफ कर देता है फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ कंपनीज, कंपनी की डेथ हो जाती है. 5 साल के अंदर एक्टिव बनाना कंपलसरी है. कुछ कंपनीज पैदा तो एक्टिव होती है लेकिन बाद में इनएक्टिव हो जाती है. इनएक्टिव कंपनी क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं हम चैप्टर के अंदर. और इनएक्टिव कंपनी भी डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस मांग सकती है, फॉर्म MSC-1 में एप्लीकेशन फाइल की जाती है, डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस मांगा जाता है. लेकिन डू रिमेंबर डॉर्मेंट कंपनी को विदिन लेस देन 5 ईयर्स अपने आपको वापस एक्टिव कंपनी में कन्वर्ट करना होता है, बिजनेस शुरू करना होता है, दैट इज रिक्वायर्ड. इस बार मैं कहूंगा जून 19 एग्जाम में क्वेश्चन केम, जून 19 एग्जाम्स की बात कर रहा हूं, द क्वेश्चन केम फॉर 7 मार्क्स फ्रॉम डॉर्मेंट कंपनीज. कौन सी कंपनीज डॉर्मेंट कंपनीज में कन्वर्ट नहीं करवा सकती है अपने आपको, वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स है, रिस्ट्रिक्टेड कंपनीज है जो अपने आपको डॉर्मेंट कंपनीज में कन्वर्ट नहीं करवा सकती है. तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आई से एग्जामिनेशन वाइज. छोटा टॉपिक है, आसान टॉपिक है, लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 में से आता है, तो दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू कंपनीज एक्ट. Then striking of the name of the company and the name of the LLP, section 248 of Companies Act 2013. फिर से लिंक कहां आ रहा है, कंपनीज एक्ट. और आरओसी कंपनी के पास, जब भी आरओसी को लगता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को कि शायद ये कंपनी एग्जिस्टेंस में नहीं है, शायद इस कंपनी के पास कोई एसेट नहीं है, लायबिलिटी नहीं है, कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, तो आरओसी एक लव लेटर भेजता है कंपनी को और पूछता है कहां हो, और इंतजार करता है फॉर 30 डेज. अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो उठाकर कंपनी का नाम स्ट्राइक ऑफ कर देता है फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ कंपनीज, और मान लिया जाता है कि कंपनी डिसॉल्व हो गई, कंपनी की डेथ हो गई, तो स्ट्राइकिंग ऑफ द प्रोसीजर है. और मैं कहूंगा कौन सी कंपनी स्ट्राइक ऑफ नहीं हो सकती है उसकी भी लिस्ट है, एंड लॉट्स ऑफ टेक्निकलिटीज इन दिस. लेकिन एट द सेम टाइम मैं कहूंगा एक बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ सेक्शन 248 की वजह से कॉर्पोरेट सेक्टर में इन सितंबर 2017, और उसके बाद भी एक बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ जिसमें कुछ अप्रोक्सीमेटली 2,25,000 कंपनीज को स्ट्राइक ऑफ कर दिया गया इन सितंबर 2017. तो धमाका हुआ, न्यूक्लियर बॉम्ब फटा कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर, और बहुत सारी पेपर कंपनीज जिनको हम बोलते हैं बबल, उनको स्ट्राइक ऑफ कर दिया गया. और उसके बाद अब टाइम टू टाइम ये धमाके होते रहते हैं, चलते रहते हैं, और कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए बहुत स्ट्रिक्टनेस बढ़ गई है बिकॉज ऑफ सेक्शन 248. और उसके बाद फिर फॉर्म इनएक्टिव आ गया है, फॉर्म एक्टिव आ गया. जो कंपनी फॉर्म एक्टिव फाइल नहीं कर रही है उसको इनएक्टिव कंपनी का स्टेटस दिया जा रहा है. अब लॉ मेकर की स्ट्रिक्टनेस बढ़ती चली जा रही है. अगर इसको सिर्फ बुक्स की तरह पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि इट इज ओनली बुकिश लैंग्वेज. अगर इसको आसपास जो हमारे हो रहा है उसके साथ कनेक्ट करके पढ़ेंगे कि पहले क्या हुआ इंडिया में, फिर क्या हुआ अब, और लॉ मेकर किस तरीके से स्ट्रिक्टनेस बढ़ाता जा रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स किस तरीके से स्ट्रिक्टनेस बढ़ाता जा रहा है, पढ़ने का मजा कुछ और ही आता है अगर उसको प्रैक्टिकल लाइफ के साथ कनेक्ट करके पढ़ते हैं. अगर हमें ये चीजें पता होती है कि हिंदुस्तान में हमारे आसपास चल क्या रहा है और इन सेक्शंस का यूज कहां हो रहा है, अनफॉर्चुनेटली ये चीजें कहीं ना कहीं ICSI मॉड्यूल में हम मिस करते हैं. लेकिन मैं कहूंगा कि क्लासरूम में हम सब कुछ डिस्कस करते हैं कि पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, और तब ये 248 पहली बार ग्रैंड लेवल पे, मेगा लेवल पे यूज हुआ, उसके बाद कब फॉर्म एक्टिव आया, आजकल क्या चल रहा है, जून 2019 में क्या चल रहा है, और बहुत सारी चीजें हैं डिस्कस करने के लिए. तो वी कीप ऑन
कनेक्टिंग ऑल द थिंग्स, कुछ चीजें हैं वेल मैं कहूंगा कि इस पेपर में से आती हैं, वेल सेटिंग ऑफ बिजनेस के पेपर में से कुछ चीजें हम लेकर आते हैं कंपनी लॉ के पेपर में से. फॉर एग्जांपल हम यहां पर सेक्शन 164 सबसेक्शन 2 रेफर करते हैं टाइम्स द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. और जब सेक्शन 248 का धमाका हुआ था उसी के साथ साथ डायरेक्टर्स को डिस्क्वालीफाई करने के लिए भी सेक्शन 164 सबसेक्शन 2 का धमाका हुआ था. वी डू दैट इन द चैप्टर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. तो कहीं ना कहीं देखते हैं कि कुछ चीजें स्टडिंग ऑफ बिजनेस के पेपर में से, कुछ चीजें कंपनी लॉ के पेपर में से कोरिलेशन बनता है. और 3 लाख डायरेक्टर्स ऑल ओवर इंडिया वर डिस्क्वालीफाइड इन सेक्शन 164 सबसेक्शन 2. फिर हम दोनों तरफ लिंकेज निकाल रहे होते हैं कि 248 में क्या हुआ, 164 सबसेक्शन 2 में क्या हुआ, दोनों आसपास हुए, कहीं कहीं क्या कोई कोरिलेशन बैठ रहा है क्या. और फिर प्रैक्टिकल लाइफ में क्या चल रहा था, कॉर्पोरेट सेक्टर में क्या चल रहा था 2017 में, 2018 में, अभी आजकल 2019 में क्या चल रहा है और उसका आगे इम्पैक्ट, फार रीचिंग इम्पैक्ट क्या रहने वाला है. ये सारी बातें करते हैं तो पढ़ने का मजा दुगना हो जाता है क्योंकि प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस समझ में आता है. देन मूविंग ऑन फर्दर, और मैं कहूंगा कि जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस का, जिसको हम बोलते हैं CIRP, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस. अगर कोई कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है तो वो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016 में चली जाती है. और इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में पहली कोशिश होती है कि उस कंपनी को इंसॉल्वेंसी से खींच कर बाहर निकालें, इंसॉल्वेंट बनाएं, और कोई फाइनेंशियली स्ट्रांग कंपनी आकर उस फाइनेंशियली इंसॉल्वेंट कंपनी का टेक ओवर कर ले, उसमें पैसा लगा दे, उसमें पैसा इन्वेस्ट करे और वो कंपनी जो इंसॉल्वेंट है वो वाइंडिंग अप में जाने से बच जाए. तो उस प्रोसेस को लेकर जब हम बात करते हैं उसका टेक्निकल प्रोसीजर है सम 180 डेज इनिशियली, 90 डेज एक्सटेंशन, टोटल 270 डेज का प्रोसीजर है. बहुत सारे फ्लो चार्ट्स बनाते हैं क्लासरूम के अंदर हम, और बहुत सारे फ्लो चार्ट्स के थ्रू डिस्कस करते हैं कि वो प्रोसीजर क्या है और उस प्रोसीजर के जो स्टेप्स हैं जो स्टेजेस हैं उनका सिग्निफिकेंस, प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या है, प्रोफेशनल सिग्निफिकेंस क्या है, उन सबके बारे में बात करते हैं. जो चीज पढ़कर समझ में नहीं आती लेकिन जब हम उसको प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जाम्पल्स के साथ जोड़ देते हैं तो समझ में आता है कि ओहो क्या चल रहा है. एसआर स्टील का केस डिस्कस करते हैं, उसके साथ डिस्कस करते हैं कि उसमें वेल आर्सलर मित्तल स्टील कॉर्पोरेशन ने जो बिड दी वो बिड रिजेक्ट क्यों हो गई. वेल एसआर जो फैमिली है रुइया फैमिली, उन्होंने जो बिड दी वो रिजेक्ट क्यों हो गई. आजकल क्या चल रहा है, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल क्या कर रहा है, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल क्या कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या रोल प्ले किया. जब ये चीजें कनेक्टिविटी में आती हैं तो समझ में आता है कि जो हम पढ़ रहे हैं उसका लीगल सिग्निफिकेंस कितना बड़ा है. 45,000 करोड़ का डेट कंपनी लेकर बैठी है अप्रोक्सीमेटली, जो कंपनी ने रीपे नहीं किया है तो मतलब बड़े लेवल के धमाके हो रहे हैं. जेपी इंफ्रास्ट्रक्चर, आम्रपाली बिल्डर्स, वेल कुछ अप्रोक्सीमेटली 70,000 होम बायर्स का पैसा दबाकर बैठे हैं और ना तो फ्लैट डिलीवर कर रहे हैं ना पैसा रीपे कर रहे हैं और होम बायर्स परेशान हैं. तो इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड में अमेंडमेंट्स होती हैं होम बायर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए. और उससे भी काम नहीं चल रहा तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बार बार बोल रहा है कि हम बैठे हैं और हम हर हाल में होम बायर्स को प्रोटेक्ट करेंगे. तो क्या अमेंडमेंट हुई इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड में होम बायर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए और आगे फ्यूचर में होने क्या वाला है. तो होम बायर्स को उनका फ्लैट मिलेगा या नहीं मिलेगा, या वेल परेशान होते रहेंगे और सड़क पे बैठे रहेंगे, उनका जो पैसा अटका हुआ है उस पैसे का क्या हो रहा है. और थोड़ा बहुत नहीं, कुछ हजार करोड़ रुपए की बात होती है. जब हम बात करते हैं जेपी इंफ्रा में तो 24,000 करोड़ का अमाउंट आ जाता है. जब आम्रपाली में बात करते हैं देन वी टॉक अबाउट वंस अगेन कुछ 40,000 करोड़ के आसपास का अमाउंट आ जाता है. फिर पता चलता है कि आम्रपाली बिल्डर्स के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनको जेल हो गई है. और पता चलता है फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट आई है जिसमें एक पियोन को, एक छोटे से एम्प्लॉय को 170 करोड़ पर एनम की सैलरी दे रहे थे. तो ऐसी ऐसी चीजें निकलकर आ रही हैं तो वी टॉक अबाउट ऑल दैट. जेट एयरवेज तो 17 अप्रैल 2019 उड़ना बंद हो गई है, फ्लाइट क्रैश हो गई है. आजकल इसको बचाने की कोशिशें चल रही हैं, वही प्रोसेस चल रहा है. और वेल एतिहाद और हिंदुजाज टेक ओवर करने की बात कर रहे हैं कि हम टेक ओवर कर लेते हैं. और जेट एयरवेज का वेल शेयर मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर जो किसी जमाने में 1,440 रुपए पर शेयर था वो नीचे गिरकर 30 रुपीज पर शेयर तक नीचे आ जाता है, फिर थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है. तो वी टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स अराउंड इन द क्लासरूम एंड रिलायंस कॉम. तो अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप वाट लगी हुई है, फिर से वही बातें हो रही कि शायद कोई आएगा बचा लेगा टेक ओवर कर लेगा, शायद रिलायंस जियो आ जाए टेक ओवर करने के लिए शायद. तो बातें तो बहुत सारी चलती रहती हैं लेकिन देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है. तो इस प्रोसेस के बारे में प्रैक्टिकल, जब हम सीआरपी प्रोसेस पढ़ रहे होते हैं और साथ में प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ डिस्कस कर रहे होते हैं पढ़ने का मजा कुछ और आता है. और फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात इस सबके बीच में प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी का रोल क्या है, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी के फंक्शंस क्या हैं एज रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, एज इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल एंड एज रेजोल्यूशन प्रोफेशनल प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी क्या क्या रोल प्ले करता है. और ऑब्वियसली फिर उसकी प्रोफेशनल फीस भी मिलती है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है जो उठानी पड़ती है. तो सबके बारे में डिटेल में बात होती है एंड वी रियली फाइंड इट
इंटरेस्टिंग कि हमारी प्रोफेशनल लाइफ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है. और एक चीज बता दूं यहां पर एट द सेम टाइम, सीएस प्रोफेशनल प्रोग्राम में ये इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड 150 मार्क्स का है, 150 नंबर का. एक तो वो कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चर के पेपर में 50 नंबर का है इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड का जो पोर्शन है, और फिर एक प्रोफेशनल प्रोग्राम ग्रुप थ्री में 100 नंबर का पूरा पेपर ही है इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड के ऊपर. 100 मार्क्स पेपर है जो सिलेक्टिव पेपर है, आप लेना चाहो तो लो, नहीं लेना चाहो तो ना लो. लेकिन मैं तो सबको बोलता हूं कि वही पेपर जरूर जरूर लेना. इंडिया में मोस्ट हैपनिंग लॉ आज की तारीख में इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड है. 12 लाख करोड़ से भी ज्यादा, मे बी 12.5 लाख करोड़ या शायद इससे भी ज्यादा के डेट्स रिकवर नहीं हो रहे हैं. नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बोलते हैं एनपीएस, और लेंडिंग बैंक्स का पैसा डूबा हुआ है. यस बैंक हो या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, वेल आज से पंजाब नेशनल बैंक हो, तो सबका पैसा डूबा हुआ है. बहुत पैसा डूबा हुआ है, अटका हुआ है, और सारे बैंक्स अपना लोन रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं, और सब लोग एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल के दरवाजे पे पहुंचे हुए हैं, एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं. तो मैं कहूंगा प्रोफेशनली स्पीकिंग प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज के पास बहुत सारे केसेस हैं हैंडल करने के लिए, लॉ फर्म्स के पास बहुत सारे केसेस हैं, बिग फोर सीए फर्म्स के पास केसेस हैं. तो सीखने के लिए बहुत कुछ है, और बेस तैयार हो रहा है कहां, कंपनी लॉ के पेपर के साथ तो कनेक्टिविटी है ही, सीएस प्रोफेशनल प्रोग्राम के लिए बेस तैयार हो रहा है. दम लगाकर पढ़ना है, कॉन्सेप्ट्स को चार्ट्स को समझना है, और प्रैक्टिकली आसपास क्या हो रहा है उसके साथ कोरिलेट करके पढ़ना है, सो दैट वी आर रेडी फॉर द 150 मार्क्स इन द सीएस प्रोफेशनल प्रोग्राम. एंड देन आई विल से विल और बड़े बड़े केसेस हमारे आसपास हो रहे हैं. INNFS, मतलब ये नाम तो लिए बिना आगे बढ़ ही नहीं सकते. इंडस्ट्रियल लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, 99,000 करोड़ रुपए का डेट मार्केट से लिया हुआ, डिफॉल्ट किया, पैसा रिपे नहीं किया, कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है, लेकिन इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड में नहीं आ सकते हैं. उसका क्या रीजन है वो अभी नहीं बताऊंगा. इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड में ये केस आ नहीं सकता. दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, अनदर बिग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी बिकम्स इंसॉल्वेंट, अ वेरी बिग. और उसके अलावा और भी बहुत सारी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं जो इंसॉल्वेंट हो गई हैं, लेकिन दे कैन नॉट कम इन द इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड. और कंपनीज एक्ट में कई जगह जा रहे हैं, वेल ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट के केसेस बन रहे हैं, और मिसमैनेजमेंट का केस बना रहे हैं कंपनीज एक्ट में, सेक्शन 241 इन द कंपनीज एक्ट एंड गोइंग टू द वेल एनसीएलटी इन द केसेज ऑफ मिसमैनेजमेंट. बट यहां क्यों नहीं आ सकते इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड में और कंपनीज एक्ट में क्यों जा रहे हैं, तो बात करेंगे, करते हैं उसके बारे में, डिटेल में बात करते हैं व्हेन वी गेट इनटू दोस चैप्टर्स. आज नहीं, विल जस्ट टेकिंग अ फील ऑफ द सब्जेक्ट की सिग्निफिकेंस क्या है. मेहनत बहुत करनी है, दम बहुत लगाना है. लिक्विडेशन और वाइंडिंग अप के बारे में बात करते हैं. तो जो इंसॉल्वेंट कंपनी हम बचा नहीं पाते, कोशिश करने के बावजूद भी बचा नहीं पाते, और जो प्रोसेस है कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस 270 डेज, अगर वो फेल हो जाता है प्रोसेस और एनसीएलटी गिव अप कर देता है, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल गिव अप कर देता है कि इस कंपनी का कुछ नहीं हो सकता, इसको हम बचा नहीं सकते, फिर वो इंसॉल्वेंट कंपनी वाइंडिंग अप में चली जाती है और उसका लिक्विडेशन प्रोसेस वाइंडिंग अप प्रोसेस शुरू हो जाता है. उसमें भी प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी का क्या रोल है, वी टॉक अबाउट दैट. एंड देन आई विल से एक सॉल्वेंट कंपनी है जो इंसॉल्वेंट नहीं है, कंपनीज एक्ट में सॉल्वेंट कंपनीज को भी वाइंड अप करने के प्रोविजन हैं, सेक्शन 271, 272 वगैरह के बारे में हम बात करते हैं, तो उसका भी प्रोसीजर है. थोड़ा थोड़ा अभी है, लेकिन बहुत ज्यादा सीएस प्रोफेशनल प्रोग्राम में है. वंस अगेन आई विल से व्हेन यू पिक अप द कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग पेपर इन द सीएस प्रोफेशनल प्रोग्राम, तो 50 नंबर का पूरा पार्ट ही है आईबीसी एंड वाइंडिंग अप, वी टॉक अबाउट ऑल दैट डिटेल. तो क्या सॉल्वेंट कंपनी भी जो सॉल्वेंट है, इंसॉल्वेंट नहीं है, क्या वाइंड अप हो सकती है? एंड द आंसर इज येस. अगर उस कंपनी में फ्रॉड्स हो रहे हैं या उस कंपनी में ऐसा कुछ हो रहा है विच इज अगेंस्ट द सेफ्टी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, और भी ग्राउंड्स हैं, सेक्शन 270 ऑफ कंपनीज एक्ट जिसके बारे में बात करते हैं. लेकिन फिर से कहूंगा लिंक कहां जा रहा है कंपनीज एक्ट के साथ. तो क्या बोलूं, सेटिंग ऑफ बिजनेस का पेपर है या कंपनी लॉ का पेपर है? ऑलमोस्ट ये मानकर चलो 100 नंबर में से 100 मार्क्स में से 50 नंबर कंपनीज एक्ट 2013 के साथ कहीं ना कहीं लिंक हो जाता है, विच वॉज विजिबल इन द जून 2019 क्वेश्चन पेपर ऑल्सो, जो रिसेंट क्वेश्चन पेपर के बारे में बात कर रहा हूं. एंड देन आई विल से जो पार्ट ए में हमने छोड़ दिया है, जो पार्ट ए में विल वो कुछ पोर्शन के बारे में भी बात करना चाहूंगा. अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को लेकर एक छोटा सा चैप्टर है, लेकिन वो वापस कनेक्ट हो जाता है चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और ये पढ़ते हुए वही 12th क्लास की यादें ताजा हो जाती हैं. लेकिन इसमें अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो इंस्टीट्यूशन नॉट फॉर प्रॉफिट में टेक्निकली सीखने के लिए कुछ चीजें मिलती हैं, सेक्शन 8 कंपनी की डिटेल काफी मिलती है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. और अगर समाज सेवा करनी है तो फर्स्ट ऑप्शन है सेक्शन 8 कंपनी बना लो, सेकंड ऑप्शन है एक ट्रस्ट बना लो, और थर्ड ऑप्शन है एक सोसाइटी बना लो इन द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट. वेल अगर समाज सेवा करनी है तो तीन तरीके हैं, तीन रास्ते हैं इस चैप्टर के अंदर, और ट्रस्ट बनाते हैं या सोसाइटी बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो डोनेशन आता है, और अगर डोनेशन आता है तो क्या उस डोनेशन के ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा?
तो ये भी अब सोचने वाली बात है. ट्रस्ट भी दो तरीके के हैं, पब्लिक ट्रस्ट हैं, प्राइवेट ट्रस्ट हैं. आम जनता के फायदे के लिए बनाया है तो पब्लिक ट्रस्ट है, रिलीजियस पर्पस के लिए बनाया है तो पब्लिक ट्रस्ट है, और अगर एक फैमिली मेंबर्स के फायदे के लिए बनाया है तो प्राइवेट ट्रस्ट है. टैक्स लायबिलिटी क्या होगी उस ट्रस्ट की? पब्लिक ट्रस्ट है तो टैक्स लायबिलिटी क्या होगी, प्राइवेट ट्रस्ट है तो टैक्स लायबिलिटी क्या होगी, टैक्स एग्जम्पशन कितना मिलेगा, टैक्स हॉलीडे कितना मिलेगा, और उसके लिए प्री कंडीशंस क्या है, क्या कंडीशंस है जो फुलफिल करनी पड़ेंगी. तो लॉट्स ऑफ टेक्निकलिटीज देयर, और मैं कहूंगा इतना सिंपल नहीं है, अंदर डूबना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, प्रोविजंस के अंदर घुसना पड़ता है और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ती है. और फिर मैं कहूंगा वही अंडरस्टैंडिंग ना बाहर निकल कर आती है आंसर शीट में, और समझ में आ जाता है कि कौन ऊपर ऊपर से आंसर लिख रहा है हल्का हल्का और कौन घुस के आंसर लिख रहा है. तो सबको रिक्वेस्ट है ऑल ओवर इंडिया, अंदर घुस के पढ़ना टैक्स लायबिलिटी वगैरह. ऐसा लगेगा चैप्टर्स तो बहुत आसान है, लेकिन अंदर घुस जाओ तो समझ में आता है कि ओहो ये भी समझने के लिए था, और वही चीज आपकी आंसर शीट में ना क्लियर कट नजर आएगी, पेपर चेकर को नजर आएगा कि किस आंसर में दम है और किसने सिर्फ ऊपर ऊपर से हल्का हल्का लिखा है. मार्क्स भी फिर दमदार मिलेंगे या हल्के हल्के मिलेंगे अकॉर्डिंगली. एंड देन आई विल से, एंड वेल एक स्पेशल चैप्टर है हमारे पास फाइनेंशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस. एंड आई टेल यू वन थिंग, ऑनेस्टली स्पीकिंग, सीएस ओल्ड सिलेबस जो था, मे बी एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, प्रोफेशनल प्रोग्राम, ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का चैप्टर था नहीं, तो आई यूज टू मिस अ लॉट कि भाई उस जमाने में क्यों नहीं था. न्यू सिलेबस में आई कैन से थैंक यू टू द ICSI इंस्टीट्यूट कि इस चैप्टर को रखा है, और आज के जमाने के जो स्टूडेंट हैं वो पढ़ रहे हैं डिटेल में नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के बारे में, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, एसेट फाइनेंस कंपनीज, इन्वेस्टमेंट कंपनीज, लेंडिंग कंपनीज, ऐसे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, नॉन ऑपरेटिंग फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनीज एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, पेमेंट बैंक्स, बहुत कुछ है इस चैप्टर के अंदर, लॉट्स ऑफ थिंग्स. और वो उनको सेटअप कैसे करना है, उनका रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना है, RBI की वेबसाइट पे जाकर कॉस्मोस फैसिलिटी खोलकर देखते हैं क्लासरूम के अंदर कि वो कॉस्मोस फैसिलिटी क्या है जिसके अंदर जाकर रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, तो चीजें समझ में आती हैं. RBI रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना है, नेशनल हाउसिंग बैंक के पास रजिस्टर कैसे करवाना है, SEBI के पास रजिस्टर कैसे करवाना है, उसका प्रोसीजर क्या है. एंड आई टेल यू वन थिंग, हमारी इंडियन इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है. दो चार बड़े बड़े नाम लूं, बजाज फाइनेंस चेक कीजिएगा, मे बी जस्ट चेक इट आउट ओवर देयर, बजाज फाइनेंस, और स्टॉक मार्केट में इसकी कितनी वेटेज है, बजाज फिनसर्व कितनी वेटेज है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट सम बिग नेम्स ओवर देयर, और भी नाम है, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस लिमिटेड, सो भगवान का नाम है बीच में, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस लिमिटेड, जस्ट चेक आउट ऑन द गूगल, गूगल पे डालिए और ये नाम सर्च कीजिएगा और आपको समझ में आएगा मैं कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज की बात कर रहा हूं. और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नाम के साथ डालेंगे तो उनका मार्केट में शेयर प्राइस कितना ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हो रहा है. इंडियन इकॉनमी को हिला देते हैं ये लोग, इंडियन इकॉनमी हिलती है इनके साथ. और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जब आजकल तो क्राइसिस में सुनने में आ रहा है, सितंबर 2018 के बाद से क्राइसिस है, लिक्विडिटी क्रंच है, पैसा नहीं है, स्टॉक मार्केट में दिक्कत हो रही है, एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स विच आर गोइंग ऑन अराउंड अस. वी टॉक अराउंड, सिर्फ ये नहीं कि चैप्टर पढ़ना है, उस चैप्टर को फील करना है. और हो सकता है कल को आपकी ट्रेनिंग, जब आप सीएस की ट्रेनिंग करेंगे किसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी में करेंगे, तो ये सोचकर पढ़ना है कि अगर कल को NBFC कंपनी में ट्रेनिंग करने के लिए पहुंच गए तो भाई ये सारी नॉलेज तो वहां पर भी काम आएगी, ट्रेनिंग के टाइम पे भी काम आएगी. और चैप्टर को सिर्फ चैप्टर की तरह पढ़ लिया, ऊपर ऊपर से रट्टा मार लिया, लिख कर आए भूल गए, तो मैं कहूंगा फिर बाद में दिक्कतें होने वाली हैं. सो अंडरस्टैंड रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर क्या है, रजिस्ट्रेशन के लिए कंडीशंस क्या है, और ऑब्वियसली इनका 50-50 कॉन्सेप्ट क्या है, 50-50 टेस्ट, 60-60 टेस्ट, 90-10 टेस्ट, वो टेस्ट क्या है, वो सब कुछ पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर उसको ये सोचकर पढ़ते हैं कि इसको प्रोफेशनल लाइफ में यूज करना है. देन आई विल से वी आर हैविंग अ कॉन्सेप्ट ऑफ स्टार्टअप कंपनीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बेबी कॉन्सेप्ट है, और मैं कहूंगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज वेरी वेरी प्राउड ऑफ अनाउंसिंग दिस स्टार्टअप कंपनीज कॉन्सेप्ट. और स्टार्टअप कंपनी बनाइए और कुछ नया लेकर आइए, कोई नई टेक्नोलॉजी लेकर आइए. और अगर बीटेक किया है, एमटेक किया है आपने, और बीटेक एमटेक किया है और कुछ नया इन्वेंट किया है, तो बनाइए स्टार्टअप कंपनी और टैक्स हॉलीडे एंजॉय कीजिए. पहले 3 साल जीरो इनकम टैक्स, तो बिजनेस कीजिए, प्रॉफिट कमाइए, एंड फर्स्ट 3 इयर्स जीरो इनकम टैक्स. लेबर लॉज में भी आपको बेनिफिट देंगे, लेकिन स्टार्टअप कंपनी को पहले रजिस्टर करवाना पड़ेगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के पास टैक्स हॉलीडे लेने से पहले. उसका प्रोसीजर क्या है, What is the method? तो वो स्टार्टअप कंपनीज के बारे में we talk about this. और सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं, स्टेट गवर्नमेंट्स, डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट्स ने स्टार्टअप कंपनीज को जो बेनिफिट्स दिए हैं उन सब के बारे में बातें होती हैं. हो सकता है कल को आप अपना खुद का कोई स्टार्टअप बना लें, हो सकता है आप किसी क्लाइंट के लिए स्टार्टअप बनाएंगे, तो नॉलेज तो प्रॉपर होनी चाहिए, नो डाउट्स अबाउट दिस. एंड देन आई विल से ज्वाइंट वेंचर कंपनी एंड स्पेशल पर्पज व्हीकल के बारे में जब बात करते हैं, तो आई विल से समथिंग वेरी स्पेशल अबाउट दिस, क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. और यहां पर हम एक कीवर्ड यूज करते हैं, FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर और हमारे पास्ट प्राइम मिनिस्टर जितने भी रहे, सब लोग इंडिया के बाहर गए और फॉरेन कंपनीज को रिक्वेस्ट की, फॉरेन गवर्नमेंट्स को रिक्वेस्ट की कि इन्वेस्ट कीजिए पैसा इंडिया में.
Coca-Cola, Pepsi. So when we say unki subsidiary companies in India mein hai, Walt Disney, Hyundai, Honda, Mitsubishi, or maybe well, I'll say Van Hoosen or Louis Philippe, Adidas, Nike, Reebok, Domino's, well, I'll say, and then I'll say McD and Burger King. Ye sab kuch kya hai? FDI. Aur hum maang kar laye hain ki hame India mein FDI chahiye. 1991 se pehle ka India aur 1991 ke baad FDI aane ke baad ka India, zameen aasman ka fark hai. Zameen aasman ka fark hai. Aur kabhi Manmohan Singh ji ko best finance minister of Asia ka award mila tha. Ye FDI ke liye darwaze khulne ke baad liberalization, globalization shuru hua tha 1991 se. Aur wo abhi tak chala aa raha hai. Aur hum chahte hain ki aur FDI India mein aati rahe. Aur usse India mein employment opportunities generate hoti rahe. To uske liye FDI norms mein hum time to time relaxations karte rehte hain. Walmart investing in India, Amazon investing in India. और हम चाहते हैं और बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स इंडिया आते रहें और बड़ी-बड़ी लेवल की इन्वेस्टमेंट लाते रहें और हमें अच्छा लगेगा अगर कुछ बिलियन डॉलर्स या कुछ ट्रिलियन डॉलर्स और इंडिया में इन्वेस्ट होने के लिए चले आएं तो इंडियन इकॉनमी और ऊपर उठ जाएगी और जॉब अपॉर्चुनिटीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी और ज्यादा क्रिएट हो जाएंगी लेकिन साथ में कंट्रोल फीचर्स भी हैं कंट्रोल फैक्टर्स भी हैं एफडीआई नॉर्म्स हैं पैसा इंडिया में आता है तो कौन सी कंडीशंस के साथ आता है किन लिमिट्स कौन सी लिमिटेशंस के साथ आता है तो ब्लैक मनी नहीं चाहिए हमें वी डोंट वांट कि बाहर से ब्लैक मनी इंडिया में आए और व्हाइट मनी में कन्वर्ट हो जाए तो उसके ऊपर भी कंट्रोल फीचर होना चाहिए और मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होना चाहिए देन setting of the business entity outside India aur yahan par ulta kaam hone ja raha hai aur ulta kaam kya hone ja raha hai indian company india ke bahar invest kar rahi hai overseas direct investment aur ek indian company india ke bahar kitna invest kar sakti hai to jo purana historical norm chala aa raha hai well jo ministry of finance ne fema mein fix kiya tha ki ek indian company apni balance sheet ke hisab se apni net worth calculate kar le aur uska 400% tak india ke bahar invest kar sakti hai 400% of net worth lekin baad mein isme fir kuch conditions laga di annual investment kitni india ke bahar kar sakte hain per annum ab us detail mein abhi nahi jaunga sab kuch lekin ye dono bahut important hai indian economy ke liye kyunki fdi mein dollars euros india mein aa rahe hain aur odi mein india ke bahar ja rahe hain aur indian companies india ke bahar take over kar rahi hain jab main baat karta hu overseas direct investment to kuch bade bade takeovers ke bare mein baat kar lete hain airtel ne india ke bahar takeover kiya well south africa mein zain telecom to bharatiya airtel ne takeover kiya tata steel ne takeover kiya india ke bahar corus steel टाटा मोटर्स ने इंडिया के बाहर टेक ओवर किया जगुआर लैंड रोवर अब वो बिक रही है या नहीं बिक रही है बिजनेस वो चल रहा है ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है उसमें नहीं जाऊंगा लेकिन बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट $12 बिलियन $6.5 बिलियन $2 बिलियन उन सब के बारे में बात करते हैं हम जब हम इन चैप्टर्स के बारे में बात करते हैं तो सिर्फ ऊपर से नहीं पढ़ना है उसको फील करना है और कल को आपको अपने हाथ से ये सारे काम करने हैं इन इन्वेस्टमेंट्स में इन्वॉल्व होना है प्रोफेशनल कंसल्टेंसी देनी है और फिर मैं कहूंगा ये दो चैप्टर्स तो और बहुत ज्यादा डिटेल में दोबारा करने हैं और ज्यादा डिटेल में दोबारा करने हैं इन द एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप टू इन द पेपर ऑफ से इकोनॉमिक कॉमर्शियल बिजनेस लॉस जब आप उसमें फेमा पढ़ोगे और वो फेमा वाला जो सेक्शन है वो 40 नंबर का है 40 मार्क्स तो उसमें ये दोनों चैप्टर रिपीट होने वाले हैं विद द मोर डिटेल्स तो बेस यहां बन रहा है यूज वहां होगा इन द पेपर ऑफ ECBL समझ में आना चाहिए कि ये पेपर जो है हर चैप्टर का एक सिग्निफिकेंस है चाहे वो कंपनी लॉ के साथ है चाहे वो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के पेपर्स के साथ है चाहे वो ECBL के साथ है लिंकेज है तो ये लिंकेज अगर आपको पता ही नहीं है आपको ये समझ में नहीं मतलब समझ नहीं है कि इसको आगे कहां कहां यूज करना है तो मैं कहूंगा आप पेपर को उतना वेटेज नहीं दोगे और ये देखना कि मॉड्यूल तो पतला सा है तो मैं कहूंगा ये तो बेवकूफी है जितने भी पॉइंट्स आज मैंने बताए हैं चाहे वो मैं बात कर रहा था सेक्शन 5 सेक्शन 6 के बारे में चाहे मैं बात कर रहा था इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के बारे में हर चीज का ना एक बहुत प्रोफेशनल इंपॉर्टेंस है अगर हम माने तो ये पेपर हमारी जिंदगी है अगर ना माने तो सिर्फ एक पेपर है कैसे लेना है ये आपको सोचना है अगर इसको अपनी जिंदगी मान लेंगे तो ये पेपर है कंपनी लॉ का पेपर है खून में घुस जाने चाहिए तो मैं कहूंगा मजा है फिर ये सोचकर पढ़ना है कि इसको ना सारी जिंदगी यूज करना है इसको ट्रेनिंग में भी और इसको जॉब में भी घुस जाना चाहिए हमारे खून के अंदर तो मैं कहूंगा तो मैं कहूंगा इन पेपर्स को पढ़ने का मजा है एंड आज से तो जो मैं कनेक्टिविटी बता रहा था कि ये आपके चैप्टर नंबर जो आपको दिख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5 और जो चैप्टर नंबर 13 दिख रहा है दिस इज प्योरली द बेस टू स्टार्ट द पेपर ऑफ कंपनी लॉ का पेपर मैं फिर से कहूंगा बाद में टच करो पहले जल्दी से जल्दी ये 5-6 चैप्टर खत्म कर लो और जैसे ये 5-6 चैप्टर खत्म हो जाए तो फिर कंपनी लॉ उठा लो फिर कंपनी लॉ पढ़ना शुरू कर दो तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन विच आई वॉन्टेड टू शेयर और वो पार्ट सी जो 25 नंबर है उसकी भी कनेक्टिविटी है कंपनी लॉ के साथ भी और फिर पेपर ऑफ
well, insolvency bankruptcy code ka paper in the professional program, jisko main phir se bolunga 150 number, 150 marks ke saath, uske saath bhi connectivity hai, to taiyariyan uske hisab se kijiye. Aur 35 marks ke bare mein baat karun to kahunga ki aaj baat nahi karunga, ab aapko aur zyada torture nahi karunga, iske liye ek bar aur milenge aur ek bar aur will baat cheet karenge coming soon. So here I am signing off. Aur ek choti si cheez bolunga, jo bhi comments aap bolna dalna chahte hain, koi queries hain, koi questions hain, to put your comments, your queries in the comment box of this video and share the video with your friends for their maximum benefit. Aapka bhi fayda ho, friends ka bhi fayda ho, aur wo feel ke sath padhna aana chahiye. That is the message which I am trying to communicate, ki company log ka paper aur setting up ka business ka jo paper hai, ye dono paper hamari zindagi hain. Basics of this CS profession, solid knowledge karni hai, expertise chahiye, professional expertise for the professional career. All the best for your future. Jai Mata Di.